खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म। बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खजुरवासिया का बयान आया है, हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिंह ने कहा है राज्यपाल कौन होते हैं, बहुमत पूछने वाले प्रताप सिंह की तरफ से ये कहा गया है। तीसरी बार भेजा है विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव, राज्यपाल नहीं माने तो केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे, दोबारा चुनाव में भी हम जीत कर आएंगे, ये प्रताप सिंह की तरफ से कहा गया है। तो राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है, हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है, ये प्रताप सिंह की तरफ से कहा गया है। राज्यपाल कौन होते हैं, बहुमत पूछने वाले प्रताप सिंह की तरफ से ये कहा गया है। बहुमत गवर्नर साहब ने देख लिया, 100 से ज्यादा विधायक वहां पहुंच गए, सब हमारे पास है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम विधान, यदि सरकार विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकती तो जिस जनता ने हमको वोट दिया है उस संविधान में वोट दिया है तो संविधान के अनुसार क्या गवर्नर साहब और भारत की सरकार काम नहीं करेगी? कैसी बात करें आप? इस वक्त तो बहस इस बात पर हो रही है कि संविधान का अपमान क्यों हो रहा है, संविधान को गवर्नर साहब क्यों नहीं मान रहे, संविधान में जो अधिकार मंत्रिमंडल वो क्यों नहीं दे रहे। तो राज्यपाल कौन होते हैं, बहुमत पूछने वाले, ये प्रताप सिंह की तरफ से कहा गया। तीसरी बार भेजा विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव। इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत की तरफ से यही फोकस है, इसी चीज को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए, कोरोना पर चर्चा चाहते हैं, और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा चाहते हैं सीएम अशोक गहलोत। विधानसभा सत्र को लेकर एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार ये प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया है। तो हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है, ये प्रताप सिंह की तरफ से कहा गया है। राज्यपाल कौन होते हैं, बहुमत पूछने वाले प्रताप सिंह की तरफ से कहा गया है। तो राज्यपाल नहीं माने तो केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss any update.